70-80% लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होना है। जो 70-80% हैं उसको 100% मान लेते हैं, उसमें से 80% लोगों को सिम्टम्स ही नज़र नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, ना ही उनको किसी प्रकार की सर्दी जुखाम नज़र आएंगे, ना ही खांसी, गले में खराश, बुखार, किसी भी तरह के सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन उसके 20% लोगों को सिम्टम्स नज़र आएंगे, सर्दी जुखाम, बुखार, खांसी की प्रॉब्लम, पेट में मरोड़, दस्ती की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम, गले में खराश, इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन उनको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें से भी 5% लोगों को ही एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्हें में से भी जिनको किसी भी तरह की पहले से ही बीमारी है, जो पहले से ही डिसीज़ किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, मान लीजिए हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है किसी को, लीवर की प्रॉब्लम है, निमोनिया है किसी को, ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की जो पहले से डिसीज़ है वो ही लोगों की मृत्यु होगी, उनकी ही डेथ होगी। और किसी और को यदि वो किसी भी डिसीज़ से कोई, और इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उनकी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए वो घर वापस आ जाएंगे, लेकिन जिनको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है वो कोरोना से संक्रमित होकर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, लेकिन सतर्क रहें, जागरूक रहें, अवेयरनेस रहें, क्योंकि कोरोना ने, कोविड-19 डिसीज़ ने, बीमारी ने लोगों को इतना भयभीत कर दिया है, इतना डरा दिया है कि हर जगह बस कोरोना कोरोना कोरोना, घर के जाओ तो टीवी पे कोरोना, घर से बाहर आओ तो लोगों के सामने कोरोना, हर जगह कोरोना कोरोना रटा हुआ है, बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, कोरोना कोरोना मतलब मौत, कहीं कोरोना हो गया तो मौत हो गई, लेकिन कोरोना मतलब मौत नहीं है, आप डरिए नहीं, कोरोना मतलब सर्दी जुकाम बुखार खांसी। आप बिना दवाई के भी, मैंने बताया आपको, 80% ऐसे लोग रहेंगे जिनको पता ही नहीं चलेगा और उनको कोरोना वायरस से संक्रमित होकर वो ठीक भी हो जाएंगे, उनको किसी भी तरह के सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। अभी भी कम से कम 10-12% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, मतलब 14-15 करोड़ लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स ही नज़र नहीं आए, उनको पता ही नहीं चला, ये बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह हैं, उनको पता नहीं चला है कितने ही मिस्टर इंडिया से घूम रहे हैं और उनको सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ डर के बारे में, यदि आप डरेंगे तो मरेंगे, और आप नहीं डरेंगे तो बिल्कुल नहीं मरेंगे। आपको पता है किसी ने कह दिया वहाँ भूत रहता है तो आप उस गली में नहीं जाएंगे, बस डरेंगे यार भूत रहता है वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये कहानी आपने सुन ली तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। एक गाँव में एक बहुत बड़े ज़मींदार व्यक्ति थे, बहुत धनवान व्यक्ति थे, उनके यहाँ काफ़ी लोग कर्मचारी काम करते थे, तो उन्होंने दो लोगों को बुलाया, यार केशव रामू इधर आओ, ये जो लकड़ी पड़ी हुई है उसको बाहर फेंक दो, बाहर सूखने के लिए रख दो, कम से कम ये सूख जाएगी खेत में तो अपन इसको जलाने के काम में आ जाएगी। तो वो जो राजू और रामू थे वो दोनों उस लकड़ी को फेंकने बाहर चले गए खेत के पास में, तो उन्होंने, एक जो राजू था वो आगे लगा हुआ था, रामू था वो पीछे लगा हुआ था, तो पीछे वाला जो रामू था उस चलते चलते किसी ने काट लिया उसको गले में यहाँ पर, तो उसको कुछ लगा कि यार किसी ने काट लिया, तो वो खुजाने लगा, खुजाया उसने तो थोड़ी सी निशान हो गया उसको, रेडनेस आ गई उसमें, तो उसने कहा यार किसी ने काट लिया मुझे, तो उसने कहा यार चीटी मीटी ने किसी ने काट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उसको डाल के और आ गए साहब, वो सूखने लगी, सूखने के 10-15 दिन बाद में जो उसका मालिक था उसके जो वो जो निशान था खुजाल थी वो भी एक आध दिन में ठीक हो गई। जो उसका मालिक था उसने कहा कि यार ये वो जो लकड़ी डाल के आते उसको ले आओ, तो राजू और रामू दोनों लकड़ी को उठाने चले गए। अब वो लकड़ी को उठाने वाले थे तो उन्होंने पटक के देखा यार इसमें कुछ और तो नहीं है, तो उसको उठा के पटक दिया उसको, तो उसमें से सांप निकल के आया। अब जो सांप निकला तो जो आगे व्यक्ति लगा हुआ था वो पीछे वाले रामू से कहने लगा यार कहीं तुझे है ना ये सांप ने तो नहीं काटा उस दिन, चींटी ने नहीं काटा, हो सकता है यार सांप ने काट लिया हो तुझे। तो उसके दिमाग में लगा यार कहीं मुझे सांप ने तो नहीं काट लिया। वो डर के वजह से उसने कहा यार मैं घर से आ रहा हूँ अभी यार।
तो वो घर निकल गया, मतलब घर तक पहुंचा ही नहीं और उसके रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब आधा एक घंटे बाद वो जो उसके साथ ही था उसने कहा यार अभी तक तो आए नहीं राजू, तो उसको देखने वो चला गया तो वो रास्ते में मरा हुआ मिल गया उसको। तो उसने सोचा यार कहीं यार मैंने इससे बोल दिया यार कि सांप ने तो नहीं काटा है, इसको डर के वजह से ही वो रास्ते में मर गया। तो जब तक हमारा जो दिमाग होता है वो आपको आदेश नहीं देगा किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको आँख में कोई लग गई है या फिर आपको आँख के पास में मच्छर बैठा है या फिर गाल पे कोई मच्छर बैठा है तो आपको दिमाग आदेश देता है कि आप उसको मारो उसको भगाओ। और जब तक आपका दिमाग आदेश नहीं देगा आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दिमाग ने आदेश दिया और जहर उसके दिमाग से रिलीज हुआ और वो मर गया। भले ही उसको सांप ने काट लिया था लेकिन वो डरा नहीं था, उसे पता नहीं था कि उसको सांप ने काटा है। और कितने दिन बाद मरा वो? 10 से 15 दिन बाद, जब उसको पता चला यार मुझे सांप ने काट लिया। तो आप निश्चिंत रहें, आपको कोरोना मतलब मौत नहीं है, कोरोना एक बीमारी है, और भी कई बीमारी हैं, आई थी और चली गई, हो सकता है इसके बाद भी इससे बड़ा वायरस आ जाए और आपको पता ही ना चले। अभी जो वायरस है ना उसका नाम रख दिया, आपको नाम से डराया जा रहा है और आप नाम से ही डर रहे हैं। पहले उस वायरस का नाम नहीं था, आज उस वायरस का नाम हो गया और आप लोगों को पता चलने लगा है कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस मतलब मौत। पहले किसी भी वायरस से आपको डर नहीं लगता था, आपने सुना आप डरे। जब तक आप किसी के बारे में आपका दिमाग नहीं सुनेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, तब तक आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरोगे तो ही मरोगे, आपने वो डायलॉग सुना है जो डर गया वो मर गया, मतलब सही है, जो डर गया वो मर गया। आपको डरना नहीं है तो आप मरोगे भी नहीं। हमारे आजू बाजू इतने बैक्टीरिया हैं, इतने वायरस हैं, लाखों करोड़ों में बैक्टीरिया वायरस घूमते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी जो बॉडी है वो किससे लड़ रही, कौन से बैक्टीरिया से लड़ रही है, कौन से वायरस से लड़ रही है। हो सकता है जो कोरोना वायरस है उससे पहले ही हमारी बॉडी लड़ चुकी हो, क्योंकि आज उसका नाम सुन लिया तो आप डर रहे हो, पहले उसका नाम नहीं सुना था। कितना ही बड़ा आपको वायरस आ जाए, यदि आपको उससे डर नहीं है, आपने नहीं सुना है ना, तो आप बिल्कुल नहीं मरेंगे। और यदि आपने उसको सुन लिया है, आपको बोट किसी भी कोई उससे डरा रहना, बिल्कुल डरेंगे। जिस जगह पे आप नहीं जा सकते ना, और नहीं जा सकते, आपको पता नहीं है कि यहाँ कितना खतरा है, तो वहाँ पे आप तो आप चले जाएंगे। और किसी ने बता दिया ना कि यार यहाँ पे तो बहुत खतरा है, तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे रोज डेली जा रहे हैं उस जगह पर। तो ध्यान रखें, आपको आप घबराएं ना, जागरूक रहें और आपकी अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, पौष्टिक चीज़ें खाएं, फल फ्रूट खाएं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में लें, विटामिन डी लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी जानकारी शेयर करके भेज दें, ताकि इस कोरोना वायरस के डर से और लोगों का भी डर ख़त्म हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।